पानीपत में बस स्टैंड के नजदीक के गांव के युवक सागर की हत्या कर दी गई। लहूलुहान हालत में युवक एक दुकान में जाकर छिप गया। इस बीच बदमाश वहीं पर सुआ फेंक कर भाग गए। दुकान में छिपा सागर वहीं बेसुध होकर गिर गया। उसे ई रिक्शा से सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। दोपहर को सागर बस स्टैंड के पास से गुजर रहा था, तभी दो युवकों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। कुछ ही देर में 8 से 10 लड़के आ गए। इसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। हमला क्यों किया इसका अब तक नहीं पता चल सका। बस स्टैंड के पास ज्यादातर भीड़ रहती है। यहां से 200 मीटर दूर ही सिटी पुलिस स्टेशन है। युवक पर हमला होता रहा, लेकिन उसे कोई बचाने नहीं आया। मूल रूप से जिंद के कालवा का सागर का परिवार अब पानीपत की मुखीजी कॉलोनी में रह रहा है। सागर 11वीं कक्षा में पढ़ता था। बस स्टैंड के पास कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने हमलावरों को देखा था। बोरे में हथियार भरकर लाए थे। एक युवक दूसरे को कह रहा था, सारे हथियार ले लिए। इस मामले में कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद सागर की रेकी की गई, मौका देखकर हत्या कर दी गई। 10 लड़के थे, उनके कट्टों में थे और औजार फला डंडे उंडे। वहाँ यहाँ लड़का देख लिया था यहाँ पर, वहाँ से भागा दुकान में, तो दुकान में जाकर उनके सुआ हुआ मार दिए। कहाँ, कब की बात है ये, कितने दिन? ये आज पौन घंटा होगा। कितने जने थे मारने वाले? मारने वाले कम से कम 8-10 जने। और वो अकेला ही था। तो हमें कोई पता नहीं, हमें तो सूचना मिली वो इसका चोट, तो उसके बाद वो हॉस्पिटल में आए तो एक्सपो। क्या नाम था और कहाँ के रहने वाले थे? सागर नाम था, गांव कड़वा है, जिन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और यहाँ कहाँ रह रहे थे? जट रोड का मुखर्जा कॉलोनी। अच्छा, आपके क्या लगते हैं? बणजा। तो क्या करता था जी वो? पढ़ता था या 10वीं क्लास के लिए। कौन से? प्लस वन। तो अभी घर से किस टाइम निकला था? मतलब वो 2 बजे पहले भी कुछ आपसी रंजिश का बताया जा रहा, कोई मामला लिए कि बस स्टैंड के साथ में एक लड़के का मर्डर हो गया है। पुलिस अभी मौके पर पहुंची है, तो जो भी सूरत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी वो हम अभी देख रहे हैं। मृतक की पहचान होगी? अभी मैं सारी डिटेल आपको नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा सा समय दीजिए, हम एक बार कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बाद हम शीघ्र ही आपको खुद बताएंगे। मृतक के परिजन पहुंचे हुए, 17 साल का युवक था। अभी तक हमारे पास किसी ने कोई लिखित कंप्लेंट नहीं दी। सर, सीसीटीवी फुटेज में ये कैद हुए हैं, कुछ पता लग पाया? अभी आपको इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। प्राइमरी सर कुछ तो थोड़ा सा ब्रीफ करें। मैं कह रहा हूँ 17-18 साल का लड़का है, उसकी डेथ हुई है। सागर नाम का लड़का है। अभी हम चेक कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या इंसिडेंट हुआ है। जी, क्योंकि पुलिस को भी थोड़ी देर पहले ही सूचना मिली है, तो पुलिस मौके पर आई है। तो अभी हम कर रहे हैं, उसके घर वाले आएंगे, जब उनसे बातचीत की जाएगी, जैसा होगा हम कार्रवाई की जाएगी। सर मर्डर किस पता लगा? अभी वो डॉक्टर बताएंगे किस चीज़ से होगा। अभी